रात के वक्त काला घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। हाड़कंपा देने वाली शीतलहर चल रही थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पीपला गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके पड़े थे। हल्की हल्की अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। पीपला गांव से कुछ दूर पहले सीगल पैलेस था। कहते थे कि इसे अंग्रेजों ने बनवाया है। सीगल पैलेस के आसपास शमशान घाट और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। राकेश अपनी दोस्त की शादी से अपने गांव बाइक से लौट रहा था कि अचानक सीगल पैलेस के पास उसकी बाइक रुक गई। राकेश ने जब आसपास की तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक भी तारा नजर नहीं आया। उसने आसपास नजर घुमाकर जब देखा तो सिवाय अंधकार के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, भाग, फंस गया मैं। अब इस बाइक का क्या करूं? ठंड भी बढ़ गई है और हल्की फुल्की बूंदा बूंदी भी शुरू हो गई है। उसने जब घड़ी पर नजर डाली तो घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अचानक राकेश की नजर सीगल पैलेस की खिड़की पर पड़ी। उसे वहां पर रोशनी नजर आई, जैसे कि वहां पर आग जल रही हो। इतनी रात गए यहां पर कौन हो सकता है? यहां तो कोई नहीं आता। हो सकता है कोई मेरी तरह रास्ते में फंस गया हो और सर्दी की वजह से उसने कुछ लकड़ियां जला ली हो। हाँ, यह कहता हुआ राकेश अपनी बाइक को वहीं खड़ी करके सीगल पैलेस की तरफ चल दिया। राकेश जैसे ही सीगल पैलेस के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति आंख बंद किया हुआ बहुत धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने अपने चारों तरफ से लाल रंग का घेरा बना रखा था। मंत्र पढ़ने में बीच बीच में वो आग के ऊपर कुछ फेंक भी रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत सवार थी। उस व्यक्ति को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उससे रहा नहीं गया। उसने चीख कर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? आपसे मना किया था ना, उसके बावजूद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आप जानते हो, आपकी इस हरकत से सर्वनाश हो सकता है। आपने अपने गंदे और घिनौने मकसद के लिए ये जगह चुनी है। किसी को इस पर शक भी नहीं होगा। कौन सोच सकता है कि किसी सीगल पैलेस के अंदर कोई इस घिनौनी काम को कर सकता है। इतना बोलकर राकेश गुस्से में उस घेरे के अंदर घुस गया। तंत्र साधना में लीन उस व्यक्ति ने अचानक आंखें खोल ली। उसकी आंखों में लाल लाल दहकते अंगारे से निकल रहे थे। उसका चेहरा किसी पिशाच से कम नहीं लग रहा था। ये सब देखकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर राकेश से कहा, मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? इस गोल घेरे के अंदर आकर तूने मेरी सिद्धि को खराब कर दिया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे भी नहीं पता। उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि अचानक जलती हुई लकड़ियां बुझ गई। अंदर जो थोड़ा गर्म माहौल था अचानक वो सर्दी में तब्दील हो गया और एक ठंडी तेज हवा का झोंका राकेश के गाल से टकराया। अंदर इतना घना अंधेरा हो गया कि राकेश और वो व्यक्ति एक दूसरे के शक्ल भी नहीं देख सकते थे कि अचानक उस व्यक्ति की चीख राकेश के कानों से टकराई। राकेश अपनी पूरी ताकत लगा के वहां से भागने लगा। वह सीगल पैलेस के बाहर पहुंचा ही था कि अचानक उस व्यक्ति ने बाहर किसी को खड़ा हुआ पाया। आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था। तारे निकल रहे थे। चांद अपने पूरे शबाब पर था। राकेश अब चेहरा देख सकता था। राकेश के सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। उसके होंठ सुर्ख गुलाबी हो रहे थे। काली साड़ी में वो युवती किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राकेश उसे देखकर सब कुछ भूल गया। उसकी खूबसूरती में सम्मोहित सा होता जा रहा था। वो बस उसे देखे जा रहा था। अचानक उस युवती ने राकेश से कहा, क्या देख रहे हो राकेश? क्या तुमने कभी कोई सुंदर स्त्री नहीं देखी क्या? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता?
मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है राकेश। तुम्हारी एक सुंदर सी बीवी है और एक बेटा भी है। लेकिन तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें आज तक कभी इस गांव में नहीं देखा। वो सब बातें छोड़ो राकेश, और मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि तुम्हें मुझे अपनी बाहों में ले लेना चाहिए? उस स्त्री की आवाज में पता नहीं क्या सम्मोहन था कि राकेश उसमें समाता जा रहा था। वो सब कुछ भूल चुका था कि कुछ क्षण पहले क्या घटी थी। राकेश अब उस स्त्री को देखकर बेकाबू सा होने लगा। राकेश ने वासना भरी नजरों से देखकर कहा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा एक नाम नहीं राकेश, कई नाम है। तुम जिस नाम से चाहो उस नाम से मुझे बुला सकते हो। राकेश ने बिना देरी किए उस स्त्री को अपने आलिंगन में भर लिया। आलिंगन में भरते ही राकेश अपनी मस्ती में खो गया। वह ये भी देखना भूल गया कि उस स्त्री का चेहरा अब सुंदर नहीं था, बल्कि उसके खूबसूरत हाथों में नाखून की जगह बड़े बड़े दो पंजे थे और उसके दांत किसी भेड़िए की तरह अचानक से बड़े हो गए। देखते ही देखते उस स्त्री ने अपने दांत राकेश की गर्दन में गड़ा दिए और राकेश की दिल दहला देने वाली चीख पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अगले दिन राकेश की लाश नग्न अवस्था में सिगल पैलेस के बाहर सड़क पर पड़ी हुई मिली। चारों तरफ पीपला गांव के लोग मौजूद थे। राकेश की लाश देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बदन के खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया गया हो। उसकी आंखें फटी हुई थी जैसे कि उसने कोई बहुत ही भयानक चीज अपने सामने देखा हो। राकेश की बीवी बुरी तरह से रो रही थी। गांव के मुखिया ने तांत्रिक भैरवनाथ को यहां पर बुलवाया था। भैरवनाथ ने जैसे ही राकेश को देखा वो बुरी तरह से चीखने लगा, अनर्थ, घोर अनर्थ, ये अनर्थ है, ये कैसे संभव हो सकता है? तभी गांव का मुखिया बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा, कैसा अनर्थ? नादान मुखिया, क्या तूने राकेश की लाश को नहीं देखा? देख, इसके शरीर के खून का एक एक कतरा किसी ने नहीं छोड़ा। देख इसकी लाश कैसे सफेद पड़ी हुई है, इसकी आंखें कैसे फटी हुई है, मगर आसपास खून का एक भी कतरा तक मौजूद नहीं। इसका किसी ने खून पिया है। भूत प्रेत पिशाच इनमें से कोई भी इस तरह से किसी इंसान का खून नहीं पीते। बाबा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पर किसी ने सिद्धि की है, या तो वो अपनी सिद्धि में विफल हुआ है या फिर कुछ और हुआ है, उसका परिणाम इस व्यक्ति ने भुगता है। तभी अचानक भैरवनाथ फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने लगा। मुखिया ने उससे कहा, आप क्या देख रहे हैं बाबा? क्या यहाँ पर सिर्फ इसकी ही लाश मिली है? हाँ बाबा, सुबह ही पता चला कि यहाँ पर राकेश मरा पड़ा हुआ है। राकेश हमारे गाँव का ही है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता बाबा कि आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि अब जो यहाँ पर होने वाला है उससे तुम सब परेशानी में आ जाओगे। अनर्थ हो गया है मुखिया, किसी ने उसे बुला लिया है। है? किसे बाबा, किसे? यक्षिणी को। इस तरह से इंसान का खून केवल और केवल यक्षिणी ही पी सकती है, और कोई नहीं। यक्षिणी का नाम सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग भयभीत नजर आने लगे। बाबा, अब हम क्या करें? इतना आसान नहीं है मुखिया। यक्षिणी को जिसने बुलाया है वही उसे वापस भेज सकता है। भगवान से प्रार्थना करो मुखिया, अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा, और अगर वो मर गया है तो मुझे तुम सभी की मौत अपनी आंखों से नजर आ रही है। आप इतने सिद्धि पुरुष हैं बाबा, कि आप यक्षिणी को काबू में नहीं कर सकते? ये कोई मजाक नहीं है मुखिया, तुम्हें यक्षिणी की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। एक यक्षिणियां कई प्रकार की होती हैं, मगर राकेश की लाश को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया है
कि ये यक्षिणी बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि वो इस वक्त यहाँ आसपास के लोगों में किसी की शक्ल में मौजूद हो। गांव का मुखिया तांत्रिक भैरवनाथ के कदमों में गिरकर कहने लगा, कुछ कीजिए बाबा, अब आप ही हम सब गांव वालों का एकमात्र सहारा है। मैं अभी फिलहाल इन गांव वालों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। भैरवनाथ की बात सुनकर मुखिया बोला, तो क्या अब हम सब गांव वाले भी राकेश की तरह बेमौत मारे जाएंगे? किसी एक की गलती की सजा पूरे गांव वालों को क्यों? बाबा, इसमें हम सब की क्या गलती है? गलती है, तुम सब की बहुत बड़ी गलती है मूर्खो। इसी गांव में किसी दुष्ट आदमी ने यक्षिणी को बुलाने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया और तुम लोग कुछ जान नहीं पाए, क्योंकि यक्षिणी को बुलाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एक खास विद्या की जरूरत होती है। इस क्रिया के लिए जो अनुष्ठान करना होता है वो कोई भी ऐरा गहरा मामूली साधु नहीं कर सकता। तुम सब गांव वालों की नाक के नीचे वो दुष्ट इस खतरनाक अनुष्ठान को कर रहा था और तुम लोगों को खबर तक नहीं हुई। हमारी बात का यकीन मानिए बाबा, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम और ना ही हमारे सामने किसी ने इस तरह का यहाँ पर कोई अनुष्ठान किया है। भैरवनाथ गुस्से में सब गांव वाले और मुखिया को देखे जा रहा था। मुखिया हाथ जोड़कर भैरवनाथ से कहा, शांत करिए बाबा, जो होना था वो हो चुका, अब हमें आगे क्या करना है वो बताइए। मुखिया की बात सुनकर तांत्रिक भैरवनाथ सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वो मुखिया से बोला, मुझे उस यक्षिणी को असली रूप में बुलाने के लिए एक खास अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उसको किस मकसद के लिए यहाँ बुलाया गया है। मगर इसमें कुछ दिन का वक्त लग सकता है, तब तक के लिए तुम सबको एक खास हिदायत देकर जा रहा हूँ कि शाम 6 बजे के बाद अपने घरों से बाहर मत निकलना, चाहे तुम्हारा कितना जरूरी काम क्यों ना हो। क्योंकि यक्षिणी रात में बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है और वो अपना शिकार ज्यादातर रात में ही करती है। तांत्रिक भैरवनाथ की बात सुनकर मुखिया ने सभी गांव वालों से मुखातिब होकर कहा, तुम सब लोगों ने सुन लिया ना बाबा ने हम सब लोगों को क्या आदेश दिया है? शाम 6 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, चाहे उसे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। मुखिया कुछ कहने ही वाला था कि तभी तांत्रिक भैरवनाथ ने चिल्लाकर कहा, जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा है कि वो यक्षिणी हम में से किसी एक का रूप लिए हुए यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मेरी इस बात को वो भी सुन रही होगी। शाम 6 बजे के बाद अगर कोई भी तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाकर तुम्हें बाहर की तरफ बुलाता है तो समझ लेना कि वो तुम्हारा कोई जान पहचान वाला नहीं खड़ा, बल्कि बाहर तुम्हारी मौत खड़ी है। जैसे कि मैं कह चुका हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, यक्षिणी किसी का भी रूप ले सकती है। इतना कहकर तांत्रिक भैरवनाथ वहां से चला गया। गांव वालों ने राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया और वो सब लोग अपने अपने घरों के अंदर डरे सहमे दुबक गए। सबके दिल में एक ही विचार आ रहा था, यक्षिणी रात के वक्त किसका दरवाजा खटखटाएगी? मगर उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन सारे गांव वाले एकत्रित होकर कल की घटना के बारे में बातचीत कर रहे थे कि अचानक एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज वहां पर आकर खड़ी हो गई। उस कार में से एक हैंडसम नौजवान बाहर निकलकर गांव के एक व्यक्ति की तरफ आ गया। उस गांव के व्यक्ति का नाम नितिन था। उसने नितिन की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव में सिगल हाउस कहां पर है? सिगल हाउस का नाम सुनकर कड़ाके की ठंड में नितिन के माथे पर पसीना आ गया और वो उस नौजवान को गौर से देखने लगा। खुद को इस तरह देखने पर उस नौजवान ने दोबारा उससे कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर सिगल हाउस कहाँ पर है? नितिन ने हाथ इशारा करके उससे कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर ही आपको मिल जाएगा। वैसे आप हैं कौन?
आप सिगल हाउस का पता क्यों पूछ रहे हैं? मेरा नाम राहुल है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हमें जैसे ही पता चला कि मनाली के एक गांव, मतलब पीपला गांव के करीब खूबसूरत जंगलों में बसा हुआ अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ एक पैलेस है जिसे सिगल हाउस कहते हैं, हमने तुरंत उसे खरीद लिया। हम वहां पर होटल बनाना चाहते हैं। वैसे भी अब ये पूरा इलाका टूरिस्ट इलाके में आने वाला है क्योंकि हम यहां पर आ चुके हैं। ऐसी गलती मत करना बाबू साहब, आप सिगल हाउस के बारे में नहीं जानते। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरी बात मानो और अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ। क्यों, सिगल हाउस में ऐसा क्या है? राहुल ने कंधे उछालते हुए नितिन से कहा, कल रात यहां पर सिगल हाउस के बाहर इस गांव के एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो हम क्या करें, जरूर उसने देसी शराब पी रखी होगी। नहीं नहीं बाबूजी, इस गांव में यक्षिणी आजाद होकर घूम रही है, उसी ने मारा था उसे। तुम्हारा मतलब तुम्हारे गांव की कोई लड़की ने जिसका नाम यक्षिणी है उसने मारा है? डोंट वरी, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं नहीं साहब, यक्षिणी कोई इंसान नहीं होती बल्कि इंसानों का रूप धारण कर सकती है। वो बला की खूबसूरत होती है मगर वो इंसानों का खून पी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर इस सीगल पैलेस में मौजूद है। नितिन इससे आगे कुछ कहता कि तभी कार में से एक लड़की जो इस वक्त ब्लैक जीन्स, ब्लू शर्ट और ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी वो बाहर निकल कर आई और उसने राहुल की तरफ देखकर कहा, तुम भी कहां इन जाहिलों के मुंह लगते हो। तुम्हें पता नहीं कि ये गांव वाले थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं। ये खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते लेकिन जो करना चाहते हैं उसे भी ये नहीं करने देते हैं। जब दुनिया 40 साल पहले चांद पर पहुंच चुकी है और मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की सोच रही है, ये अभी भी भूत प्रेत और पिशाच में ही अटके हुए हैं। गंवार कहीं के ये नहीं सोचते कि कल जब यहाँ एक 5-स्टार होटल बन जाएगा तो इन गंवारों को भी काम मिल जाएगा। बेवकूफ कहीं के। उस लड़की की बात सुनकर राहुल ने मुस्कुराते हुए मजाक उड़ाने वाले लहजे में नितिन की तरफ देख कर कहा, तुम सही कहती हो टीना, मैं भूल गया था कि मैं गंवारों के पास खड़ा हूँ। वैसे तुम्हारा जो भी नाम हो पता बताने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर राहुल और टीना कार के अंदर बैठ गए। कार के अंदर राहुल और टीना के साथ दो दोस्त और भी मौजूद थे जो शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, अजय, निधि और गोल्डी। उन सब में गोल्डी सबसे ज्यादा मजा किया था। राहुल ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली। गोल्डी ने राहुल से कहा, क्या हुआ यार, तू तो वहां पता पूछने गया था मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कि तेरी किसी मामले में वहां पर बहस चल रही हो। हाँ यार, जब मैंने उससे सिगल हाउस के बारे में पूछा तो वो ऐसे डर गया जैसे कि मैंने किसी भूत प्रेत का पता उससे पूछ लिया हो। और पता नहीं वो क्या बकवास कर रहा था कि इस वक्त गांव में यक्षिणी वगैरह का साया है और चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। राहुल की बात सुनकर अजय, जो कि निधि से बातें करने में मग्न था, राहुल की बात सुनकर वो बोला, तो तुझे यक्षिणी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? उसे भी अपने 5-स्टार होटल में कोई जॉब दे देंगे यार। यार पता नहीं क्या क्या बकवास करके मेरा सारा मूड खराब कर दिया। हाँ, एक तरफ ये भी बोल रहा था कि यक्षिणी लोगों का खून पी जाती है, दूसरी तरफ ये भी बोल रहा था कि वो बहुत खूबसूरत होती है। बेवकूफ़ी की हद देखो, वो किसी की क्या रूप ले सकती है। पता नहीं साले ने रात में कौन सी फिल्म देखी थी। राहुल की बात सुनकर उसके तीनों दोस्त बुरी तरीके से मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। गोल्डी ने राहुल की तरफ देखकर कहा, वो गांव वाला बेचारा बेवकूफ था यार, राहुल समझ ही नहीं पाया। क्या नहीं समझ पाया? यही कि यक्षिणी के बारे में उसने हमें बताकर कितनी बड़ी गलती की है। मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा। अरे यार सिंपल सा मतलब है, उसने तुझसे ये तो कहा ना कि यक्षिणी बहुत खूबसूरत होती है। हाँ कहा। तो फिर मेरी तो बल्ले बल्ले तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ हमेशा रहती है, अजय की गर्लफ्रेंड निधि भी हमेशा उसके साथ रहती है, और तुम चारों में सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यक्षिणी भी चल जाएगी। राहुल ने गाड़ी को सीगल पैलेस की तरफ मोड़ लिया। कुछ ही देर के बाद वो पांचों सीगल पैलेस के सामने खड़े हुए थे। वो उसी स्थान पर खड़े हुए थे जहां पर कल रात राकेश की मौत हुई थी। इतने आलिशान पैलेस को देखकर टीना ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वाह राहुल, कितनी खूबसूरत कोठी है। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं राहुल। यहाँ पर बहुत ही शानदार 5-स्टार होटल बनेगा। देखो ना, इस पैलेस के चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ ही पहाड़ हैं। जंगल की हरियाली के बीचों बीच बना हुआ ये पैलेस किसी ताजमहल से कम नहीं लग रहा। जानती हो टीना, जब मैंने इस जगह के फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर देखे थे तो मैं तभी समझ गया था
कि हमें यहाँ पर 5-स्टार होटल बनाने में घाटा नहीं होगा। यह जगह भी खूबसूरत है और यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। देखना टीना, वो दिन दूर नहीं जब सारे टूरिस्ट खुद ब खुद खींचे हुए हमारे इस 5-स्टार होटल में रुकने के लिए आएंगे और इस जगह का मजा उठाएंगे। राहुल की बात सुनकर उसका अजय दोस्त बोला, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि अंग्रेजों को यहाँ पर इतना खूबसूरत पैलेस बनाने की क्या सूझी थी। राहुल अजय की बात सुनकर हंसने लगा। अब ये बात तो तुझे अंग्रेज ही बता सकते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर से बाहर का व्यू कैसा नजर आता है। इतना कहकर चारों दोस्त उस पैलेस के अंदर चले गए। टीना और निधि हैरत से सीगल पैलेस के अंदर के नजारे को देख रही थी, मगर निधि के दिमाग में कुछ और चल रहा था। अचानक निधि के कदम एक दीवार के सामने जाकर रुक गए। उसने देखा दीवार पर शेर की खाल टंगी हुई थी जो बहुत ताजी मालूम हो रही थी। निधि ने अजय की तरफ देखा और देखकर कहा, मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। कौन सी बात? यही कि सीगल पहले वर्षों से वीरान पड़ा है, लेकिन अंदर आकर हमें एक भी मकड़ियों का जाला नहीं दिखाई दिया और ना ही यहाँ पर गंदगी और धूल मिट्टी देखने को मिली। ऐसा लग रहा है मानो हमारे आने से पहले किसी ने इस पैलेस को साफ करवाया हो। और सबसे हैरत की बात, इस शेर की खाल को देखो, लग रहा है जैसे कल ही इसको मारा गया हो। निधि की बात सुनकर अजय सोच में पड़ गया। शायद तुम्हारा यह सोचना सही है निधि, मेरे दिमाग में भी यही बात काफी देर से चल रही है। अजय और निधि को गंभीर मुद्रा में देख राहुल और टीना भी उन लोगों के पास आ गए। राहुल ने अजय की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, अचानक तेरे चेहरे पर ये परेशानी कैसी? बाहर तो तू ठीक था, सब कुछ ठीक तो है? अजय ने राहुल को बाहर आने की ओर इशारा किया। अजय और राहुल बाहर की तरफ आ गए और उन दोनों के पीछे गोल्डी, निधि और टीना भी। अजय ने राहुल से कहा, मैं और निधि एक बात पर डिस्कस कर रहे थे। राहुल, पहले एक बात बता, तूने इस पैलेस के फोटोग्राफ देखे थे ना? हाँ देखे थे। तो क्या उन फोटोग्राफ्स में भी ये पैलेस अंदर से साफ सुथरा ही नजर आ रहा था? अजय की बात सुनकर राहुल, जो अब तक मजाक के मूड में था, वो भी थोड़ा गंभीर हो गया और उसने अजय की तरफ देख कर कहा, हाँ यार तू सही कह रहा है, इस बात पर तो हम लोगों ने गौर ही नहीं किया। ये पैलेस तो वर्षों से वीरान पड़ा है और इसके मालिक ने मुझे ये बताया था कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता और ये बहुत समय तक शराबियों और जुआरियों का अड्डा बना रहा है। तो फिर हमारे यहाँ आने से पहले इसकी सफाई किसने करवाई? अजय की बात पर टीना ने कहा, मुझे लगता है तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अरे यार, लॉजिकल बात है कि राहुल ने ये पैलेस कुछ दिनों पहले ही खरीदा है। 50% रकम राहुल इस पैलेस के मालिक को दे चुका है। 50% रकम देने की बात राहुल ने इस पैलेस को देखने के बाद की कही थी। हो सकता है कि उसने हमारे यहाँ पर आने से पहले ही इस पैलेस की साफ सफाई करवा रखी हो। टीना की बात सुनकर चारों लोग खुश हो गए। सबके चेहरों से टेंशन एकदम गायब हो गई। अजय और राहुल दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अजय ने निधि की तरफ देखकर कहा, इतनी सी बात हमारे समझ में नहीं आई। टीना, तुम वाकई समझदार हो, राहुल की गर्लफ्रेंड जो ठहरी। अजय की बात सुनकर निधि ने चिढ़कर अजय से कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं समझदार नहीं हूँ? मुझे जो लगा मैंने बता दिया। अरे तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? अजय की बात सुनकर राहुल बोल पड़ा, तुझसे कितने बार कहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरे की गर्लफ्रेंड की तारीफ मत किया कर, लड़कियां इस मामले में बहुत ही ज्यादा गंभीर होती हैं। गोल्डी, जो की बहुत देर से उन सबकी बातें सुन रहा था, वह बोला, अब तुम लोग यहाँ पर इन बातों पर चर्चा ही करते रहोगे या ये बात भी सोचोगे कि खाने का इंतजाम कैसे किया जाए? हमें यहाँ पर कुछ दिन बिताने हैं यार, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है और चाय की भी बहुत तलब महसूस हो रही है। गोल्डी की बात सुनकर सभी उसकी बात से सहमत हो गए। राहुल ने कहा, हाँ बात तो तेरी सही है यार, इस बात को तो हमने सोचा ही नहीं। इससे अच्छा तो यार हम शहर से कोई काम वाली बाई ही पकड़ ले आते, कम से कम हमें खाना तो खिला सकती थी। ये कहा ही था कि अचानक मौसम बदलने लगा, चारों तरफ काली घटा छा गई और सब तरफ अंधेरा छाने लगा और कोहरा बुरी तरह से बढ़ गया। निधि और टीना अचानक मौसम बदलता देख बुरी तरीके से घबरा गई। राहुल ने सबसे कहा, घबराओ मत, पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही अचानक मौसम बदलता है, चलो अंदर चलते हैं। वो सब लोग पैलेस के अंदर चले गए।
गोल्डी ने कहा। यार मौसम तो अचानक बदल गया, अब लंच और डिनर का इंतजाम कैसे होगा। अचानक उन पांचों के कानों में किसी स्त्री के स्वर टकराए। आपकी इस समस्या का हल मेरे पास है बाबूजी। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है और मैं आप सबके लिए बाजार से अच्छी और ताजी ताजी सब्जी भी खरीद कर ला सकती हूँ। आवाज सुनकर पांचों ने सामने की ओर देखा तो उनके सामने एक बेहद खूबसूरत काले लिबास में एक युवती खड़ी थी जो उन पांचों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस युवती के लंबे लंबे बाल थे और बड़ी बड़ी भूरी आंखें थी और उसका पूरा बदन गोरा चिट्टा था। देखने में वो किसी अप्सरा से कम नहीं मालूम पड़ रही थी। पांचों लोग एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। राहुल ने उस युवती से कहा, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई? राहुल की बात का उस युवती ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आप भी कैसी बातें करते हो बाबूजी, ये पहले सालों से वीरान पड़ा है। क्या यहाँ पर अंदर आने के लिए किसी की इजाजत चाहिए? हाँ, पहले तो नहीं चाहिए थी लेकिन शायद अब ज्यादा चाहिए हो क्योंकि हमने इस पैलेस को खरीद लिया है। मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रही थी बाबूजी, मैं बस यहाँ पर ऐसे ही टहलने के लिए आई थी और आप सबको बात करते हुए मैंने सुन लिया। आप सब लोग शहर से आए हैं ना, और शायद आपको एक खाना बनाने वाले की जरूरत है और मुझे खाना बनाना आता है। उस युवती की बात सुनकर अजय ने उसकी तरफ देखकर कहा, पर तुम्हारे आने के कदमों की आहट हमें क्यों नहीं सुनाई दी? अभी हम बाहर थे तब तुम कहाँ थी? आप देख नहीं पाए होंगे मौसम की खराबी की वजह से। उस युवती की बात सुनकर अजय सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, लेकिन तुम हम सबके लिए खाना क्यों बनाओगी? ये गांव है बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, इसी बहाने मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। उस युवती को गोल्डी लगातार देखे जा रहा था। उसकी नजर उस युवती पर से हट नहीं रही थी और उसकी इस हरकत को उसके दोस्त अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे। राहुल ने उस युवती से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है बाबूजी और मैं यहीं पीपला गांव की ही रहने वाली हूँ। लेकिन हम तुम्हारी बात क्यों माने? खाना तो हम यहाँ किसी भी गांव वाले से बनवा सकते हैं। आप लोग के लिए कोई खाना नहीं बनाएगा बाबूजी, आप लोगों ने यहाँ आते में तो देख ही लिया होगा, गांव वाले तो आपसे ये कह ही रहे थे कि यहाँ से चले जाओ वरना यक्षिणी आपको मार डालेगी। उस युवती की बात सुनकर पांचों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद आया, गांव के एक व्यक्ति ने मुझसे ये वाली बात कही थी, लेकिन तुम उस वक्त कहाँ थी? मैं वहीं आसपास ही मौजूद थी, थोड़ी सी भीड़ थी ना, आप देख नहीं पाए होंगे। वैसे एक बात बोलूं बाबूजी? हाँ बोलो। एक तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ और उसके बदले में आप मुझे जो खुशी से दे देंगे वो मैं रख लूंगी। फिर भी आप मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो जैसे कि मैं कोई चोर हूँ या डाकू हूँ। राहुल के बोलने से पहले अचानक गोल्डी बोला, अरे यार रख लेते हैं, कुछ दिनों की बात है और वैसे भी मोहिनी ने कहा है कि उसे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है और वो हमारे लिए ताजी ताजी फ्रेश सब्जी भी खरीद कर ला सकती है। गोल्डी मोहिनी को देखकर सम्मोहित सा होता चला जा रहा था। उसने कहा, वैसे आप खाना बनाने के अलावा और क्या क्या कर लेती हैं? सब कुछ कर लेती हूँ बाबूजी, मैं खाना बना लेती हूँ, अच्छी सी चाय बना लेती हूँ और मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाती हूँ। चारों दोस्तों ने मोहिनी को खाना बनाने के लिए सहमति दे दी थी। मोहिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, उसकी आंखों में शायद किसी जीत का जश्न था। रात का वक्त हो चुका था, मोहिनी ने सभी दोस्तों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। पांचों दोस्त सिगल पैलेस के एक हॉल में आग जलाए हुए इकट्ठे बैठे थे क्योंकि बाहर सर्दी बढ़ चुकी थी और बारिश भी हो रही थी कि अचानक अजय ने सबसे कहा, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है भाई, अभी तो शेरो शायरी का दौर शुरू हुआ है। गोल्डी ने उससे कहा, अरे यार समझा कर, हल्का होने जा रहा हूँ। अरे संभल कर जाना, कहीं यक्षिणी ना आ जाए। अरे निधि तू भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा, वैसे भी गांव वाले बोल रहे थे कि यक्षिणी बहुत खूबसूरत भी होती है। तू भी ना गोल्डी, कुछ भी बोलता है, मैं अभी आता हूँ। हाँ इतना कहकर अजय उस हॉल से बाहर चला गया। अजय ने अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए थे
मगर उसे चलते हुए करीब 5 मिनट से ज्यादा समय हो चुका था और उसे बाथरूम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने खुद से ही कहा, अरे कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तो बाथरूम यही था, कहां गायब हो गया। अचानक अजय को वो कमरा नजर आया जिस कमरे में बाथरूम मौजूद था। अजय ने उस कमरे के दरवाजे जैसे ही खोले, उसने देखा सामने खड़ी टीना उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। टीना को देखकर अजय हैरत में पड़ गया। उसने टीना से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो टीना? टीना मुस्कुराती हुई अजय के करीब आई और उसे अजीब निगाहों से देखने लगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो टीना, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो राहुल और सब लोगों के साथ बैठी हुई थी ना। मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई हूँ। आज दोपहर में तुमने मेरी तारीफ की थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सच तो यह है कि मैं राहुल से ज्यादा तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इतना कहकर टीना अजय से लिपट गई। अजय के अंदर एक वासना का एक तूफान सा आ गया और वो सब कुछ भूल सा गया। मगर अचानक उसने टीना पर एक जोरदार धक्का दे दिया। ये क्या कर रही हो तुम टीना? तुम राहुल की गर्लफ्रेंड हो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर उसे इस बारे में पता लगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये गलत है टीना। कुछ भी गलत नहीं है अजय, मैं बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारा साथ चाहती हूँ। अजय ने देखा टीना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक अजय ने खुद को सम्मोहन से बंधा हुआ महसूस किया। तभी टीना अजय से दोबारा बुरी तरीके से लिपट गई और अजय सब कुछ भूल गया। अजय बस आंखें बंद किए हुए आनंद की सीमाओं में खोया हुआ था और वो इस नशे में ये भी भूल गया था कि इस वक्त टीना का चेहरा कितना खौफनाक हो चुका था। उसके लंबे पहने और नुकीले दांत बाहर की तरफ निकल आए थे। आंखें बुरी तरीके से लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था। अचानक टीना के रूप में यक्षिणी ने अपने नुकीले दांत अजय की गर्दन में गाड़ दिए और एक जोरदार चीख पूरे सिगल हाउस में गूंज गई। अजय मृत अवस्था में उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा। टीना ने उसके जिस्म का एक एक खून का कतरा तक निचोड़ लिया था। और वो अपने होंठ साफ करती हुई अचानक वहां से गायब हो गई। अजय की चीख उसके दोस्तों तक पहुंची। अजय की चीख सुनकर चारों लोग एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने गोल्डी से कहा, ये तो अजय की आवाज थी। गोल्डी हमें जाकर देखना चाहिए। तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं देख कर आता हूँ। निधि और टीना के पास तेरा होना भी बहुत जरूरी है। इतना कहकर गोल्डी उस हॉल से बाहर निकल गया और वो उस दिशा की ओर दौड़ने लगा जहां से अजय के चीखने की आवाज आई थी। वह दौड़ता हुआ उसी कमरे तक पहुंच गया जहां कुछ देर पहले अजय की चीखने की आवाज आई थी। गोल्डी ने जैसे ही उस कमरे को खोला, वहां सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। गोल्डी हक्का बक्का इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी निगाह छत पर गई। छत का नजारा देखकर गोल्डी के शरीर का खून जम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल बाहर निकल कर आ जाएगा। गोल्डी ने देखा छत पर मोहिनी छिपकली की तरह चिपकी हुई गोल्डी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसके बाल जमीन तक आ रहे थे और उसका शरीर इंसानों जैसा था, मगर उसका चेहरा छिपकली जैसा था। गोल्डी ने पूरी ताकत से चीखना चाहा कि अचानक मोहिनी ने बड़ी फुर्ती से आकर गोल्डी का मुंह दबा लिया और उसने अपना मुंह जैसे ही खोला, बड़े बड़े दांत फिर से निकल आए और उसने गोल्डी की गर्दन पर गाड़ दिए। कुछ ही देर में वो गोल्डी के शरीर का सारा खून पी गई और गोल्डी मृत अवस्था में वहीं गिर गया। राहुल, टीना और निधि काफी देर तक गोल्डी का इंतजार करते रहे। टीना ने राहुल से कहा, गोल्डी अभी तक नहीं आया राहुल, उसे गए हुए अच्छा खासा वक्त हो गया है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गाँव वालों की बात का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया? कहीं उनकी बातों में सच्चाई तो नहीं? नहीं टीना, ऐसा मत सोचो। हो सकता है कि अजय ने हमें डराने के लिए यह हरकत की हो, और गोल्डी को तो तुम जानती ही हो, शायद वो भी हमें डराने की कोशिश कर रहा हो और इसी वजह से वो अब तक नहीं आया।
राहुल की बात का निधि ने जवाब दिया। लेकिन पता नहीं राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बार गोल्डी के मजाक को तो जानती हूँ, लेकिन अजय ऐसा नहीं करता, ये तुम भी जानते हो। और वो लड़की मोहिनी, वो अचानक कहाँ गायब हो गई? अरे यार, वो गांव की लड़की है, अपने घर पर चली गई होगी। निधि की बात सुनकर राहुल भी परेशानी में पड़ गया और वो गहरी सोच में डूब गया कि अचानक उन तीनों के कानों में गोल्डी की आवाज टकराई और यक्षिणी गोल्डी के रूप में उन तीनों के सामने खड़ी हो गई। लगता है तुम तीनों डर गए, हम तुम्हें डराने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे थे। गोल्डी को देखकर राहुल की जान में जान आई, मगर टीना गोल्डी को अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसे गोल्डी का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। यक्षिणी ने गोल्डी के रूप में बड़ी चालाकी से राहुल से कहा, इन दोनों के चेहरे तो देख राहुल, कैसे डरे हुए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अजय कहाँ है? अरे वो बेवकूफ तो अभी तक तुझे डराने के लिए दूसरे कमरे में छुपा हुआ है। चल एक काम करते हैं, आज हम दोनों अजय को उल्टा डराते हैं। हम लोगों को डराने का आइडिया तेरा ही था ना? नहीं राहुल, आइडिया तो अजय का था। तुझे याद नहीं है, हम लोगों को डराने के लिए सबसे पहले वही चीखा था। चल मेरे साथ, आज मैं इस अजय की ही खबर लेता हूँ। इतना कहकर राहुल गोल्डी के साथ चलने लगा। राहुल इस बात से बेखबर था कि वो जिसके साथ चल रहा था वो उसका दोस्त गोल्डी नहीं बल्कि एक यक्षिणी थी। थोड़ी देर बाद राहुल उसी कमरे में आ गया जहां पर कुछ देर पहले गोल्डी और अजय मरे थे। राहुल ने गोल्डी की ओर देखते हुए कहा, यहां तो मुझे कहीं अजय नजर नहीं आ रहा। जैसे ही राहुल की निगाह गोल्डी पर पड़ी, राहुल हक्का बक्का रह गया। उसके पैर जम गए और उसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। राहुल ने देखा उसके सामने गोल्डी की जगह मोहिनी खड़ी हुई है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मगर इस वक्त मोहिनी की आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके बाल जमीन तक आ रहे थे। उसकी जुबा और उसका चेहरा बुरी तरह से भयानक काला था। राहुल ने डरते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तुम तो मोहिनी हो जिसने हमारे लिए कुछ देर पहले खाना बनाया था। मोहिनी नहीं बेवकूफ, यक्षिणी। तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो, कितनी आसानी से मेरे झांसे में आ गए। मेरे दोस्तों का क्या हुआ? राहुल ने जैसे ही कहा, यक्षिणी बहुत जोर जोर से हंसने लगी और अचानक वो दीवार के ऊपर फिर से चिपक गई और उसका चेहरा फिर से छिपकली जैसा हो गया। राहुल का यह मंजर देखकर चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने उन दोनों को मार दिया है, बेवकूफ इंसान, अब तो भी मरने के लिए तैयार हो जा, तेरे दोस्तों के बाद अब तेरी बारी है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। वो तो किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। यक्षिणी की आंखों के सामने कोई इंसान मौजूद हो, यक्षिणी उसका खून पिए बगैर नहीं रहती। तुझे याद नहीं, गांव वाले ने तुझे एक चेतावनी दी थी और उसने तुझसे ये भी कहा था कि यक्षिणी हर रूप बदल सकती है। देख, तूने खुद अपनी आंखों से देख लिया। अब अगर मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी तो तू ये सारी बातें सारे गांव वालों को बताएगा और वो चौकन्ने हो जाएंगे। इसीलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है, बेवकूफ इंसान। जब तुम सब यहाँ आए थे तो तुमने इतना भी नहीं सोचा कि इस पूरे पैलेस की साफ सुथराई किसने करवाई है। तुम सब ही भाग सकते थे, इस पूरे पैलेस की साफ सुथराई मैंने ही की थी तुम्हारी यहाँ पर चिताएं जलाने के लिए। इतना कहकर यक्षिणी राहुल के ऊपर कूद पड़ी और राहुल की एक जोरदार चीख रात के सन्नाटे में गूंज गई। कुछ ही देर में यक्षिणी ने राहुल के शरीर के खून का एक एक कतरा पी लिया और यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी। राहुल के चीखने की आवाज टीना और निधि तक भी टकराई। निधि ने टीना से कहा, ये सब क्या हो रहा है टीना? ये तो राहुल के चीखने की आवाज थी और साथ ही किसी लड़की के हंसने की आवाज कैसी? और वो लड़की मोहिनी भी अचानक कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव वाले सही कह रहे थे? तुम सही कह रहे हो निधि, शायद गांव वालों की बातों में सच्चाई है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुमने देखा ना टीना, जब गोल्डी दोबारा यहाँ पर आया था तो उसका भी बिहेवियर अजीब सा था।
वो किसी भी एंगल से गोल्डी नहीं लग रहा था, लेकिन अब हम क्या करें टीना? तभी उन दोनों के कानों में किसी औरत की आवाज टकराई। उस आवाज में एक भारीपन था। निधि और टीना घबरा कर खड़ी हो गई। उनके पास रखी हुई लकड़ियां बुझ गई। निधि ने चिल्लाते हुए टीना से कहा, ये क्या हो रहा है टीना? अब हम दोनों क्या करें? ये लकड़ियां कैसे अचानक बुझ गई? कुछ तो गलत हो रहा है टीना, ये सब सामान्य नहीं है। निधि, मुझे लगता है कि इस वक्त हम दोनों को अपनी जान बचाना चाहिए, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन राहुल और गोल्डी, फिलहाल यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। निधि और टीना बुरी तरीके से भाग रही थी। भागते भागते टीना को गांव नजर आने लगा। उसने हांफते हुए निधि से कहा, हाँ, वो देख निधि, सामने पीपला गांव है, हमें गांव वालों की मदद लेनी होगी। तू सही कहती है टीना, और तेज भाग। टीना और निधि गांव के घर के दरवाजे को बुरी तरह खटखटाने लगी। वो घर किसी और का नहीं, नितिन का ही था, जिसने उन सभी लोगों को चेतावनी दी थी। मगर उस वक्त टीना ने उसका मजाक उड़ाया था। टीना बुरी तरह से चीख रही थी, प्लीज प्लीज मदद करो, दरवाजा खोलो, नहीं तो हमें भी मार डालेगी। नितिन उस वक्त जाग रहा था। उसकी पत्नी उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी और वो उस समय अकेला था। उसके हाथ जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए बढ़े कि बाबा की चेतावनी उसके दिमाग में दौड़ गई। वह सोच में पड़ गया। मगर टीना और निधि की लगातार दर्द भरी आवाज नितिन के कानों में टकरा रही थी और उसके अंदर की इंसानियत उसे दरवाजा खोलने के लिए बार बार प्रेरित कर रही थी। नितिन ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही एक झटके में टीना और निधि हांफती हुई घर के अंदर आ गई। नितिन ने दरवाजा बंद कर लिया और उन दोनों को एक कमरे में ले गया। नितिन ने कहा, क्या हुआ तुम दोनों के साथ? तुम लोग इतनी घबराई हुई से क्यों हो? कौन तुम्हें मार डालेगी? टीना नितिन को देखकर पहचान गई कि उसने कल नितिन का ही मजाक उड़ाया था। नितिन की बात का टीना ने जवाब दिया, वही यक्षिणी, कल तुमने जो कुछ भी कहा, हमें बताया, वो सब सच बताया था। गलती हमारी है, हमें तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने की सजा हमें भगवान ने कितनी बड़ी दी। हमारे तीनों दोस्त मारे गए, उसने हमारे सब दोस्तों को मार दिया, वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम लोग घबराओ नहीं, अब तुम लोग मेरे घर आ चुकी हो। वैसे तुम्हारे साथ हुआ क्या था? नितिन की बात सुनकर टीना ने नितिन को एक ही सांस में सारी की सारी बात बता दी। नितिन उन दोनों की बात सुनकर सोच में पड़ गया और उसने टीना से कहा, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, उसने तुम दोनों को क्यों जिंदा छोड़ दिया? अजीब बात करते हो तुम, शायद हम बड़ी मुश्किल से उसके चुंगल से बचकर यहाँ आए हैं। जैसे ही टीना ने ये अल्फाज कहे कि अचानक कोई नितिन के घर का दरवाजा जोर जोर से फिर से खटखटाने लगा। नितिन ने उनकी ओर देखते हुए कहा, आप कौन है? नितिन ने ये कहा ही था कि अचानक टीना और निधि के कानों में राहुल की आवाज टकराई। टीना, दरवाजा खोलो यार, हम सब तुम्हें डरा रहे थे, बाहर आ जाओ, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राहुल की आवाज सुनकर टीना चौंक कर निधि की तरफ देखने लगी कि अचानक अजय की आवाज भी निधि के कानों में टकराई। निधि, प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज यार, ये सिर्फ एक मजाक था, हमें पता है कि तुम इस घर में हो, हम तो तुम्हारे ही पीछे थे, बस तुम देख नहीं पाई। टीना और निधि दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी। वो दोनों जिस कमरे में थी वहां पर एक बड़ी सी खिड़की भी लगी थी। टीना और निधि धीरे धीरे कदमों से बढ़कर उस खिड़की के पास गई। उन्होंने देखा कि राहुल और अजय बाहर ही खड़े थे और उनके साथ गोल्डी भी था। टीना ने निधि से कहा, कहीं वाकई में ये लोग हमसे मजाक तो नहीं कर रहे थे? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तभी गोल्डी की आवाज उन दोनों के कानों में टकराई। अब देर मत करो टीना और निधि, बाहर आ जाओ, हम वादा करते हैं कि हम आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, प्लीज। गोल्डी की आवाज सुनकर उन दोनों के चेहरे खेल उठे और टीना ने निधि से कहा, ये वाकई हम लोगों को डरा ही रहे थे,
और हम थे कि डर गए थे। टीना और निधि ने अपने कदम दरवाजे खोलने के लिए बढ़ाए ही थे कि तभी नितिन की चेतावनी उनके कानों में टकराई। दरवाजा खोलने की सोचना भी मत तुम दोनों ने खुद कहा ना कि तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं। नितिन की बात का टीना ने जवाब दिया, हाँ लेकिन हो सकता है कि वो हमसे मजाक कर रहे हो और हमें कोई गलत फहमी हुई हो। बाहर खुद मैंने अभी उन तीनों को देखा है, वो लोग खड़े हुए हैं। नितिन इससे पहले कुछ कहता कि टीना और निधि दरवाजा खोलकर बाहर आ गई, मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आई वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा था। वहां कोई मौजूद नहीं था सिवाय एक खूबसूरत स्त्री के जो इस वक्त बहुत सुंदर नजर आ रही थी, मगर देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। अचानक उस स्त्री के बाल जमीन तक आने लगे और उसकी आंखों का रंग लाल हो गया और उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया और उसकी जीभ बहुत लंबी हो गई। टीना और निधि इससे पहले कुछ समझ पाते कि अचानक उस स्त्री ने अपने जीभ के जरिए टीना को बुरी तरह से जकड़ लिया। टीना चीखने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, उसका दम पूरी तरह से घुटने लगा। देखते ही देखते टीना का शरीर ऐसे हो गया जैसे कि उसके शरीर में खून ही ना हो और उसका शरीर बेजान होकर धरती पर गिर पड़ा। नितिन और निधि फटी आंखों से इस नजारे को देख रहे थे कि अचानक यक्षिणी ने टीना की ओर देखा। उसने अपनी जीभ टीना की ओर बढ़ाई ही थी कि अचानक उसके कानों में किसी का स्वर टकराया। रुक जा यक्षिणी, तेरा खेल खत्म हो गया। उस लड़की को मारने की सोचना भी नहीं। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर यक्षिणी ने गुस्से से पीछे की ओर देखा तो उसके सामने बाबा भैरवनाथ हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा उसे क्रोधित आंखों से देख रहा था। छोड़ दे इस लड़की को, छोड़ दे। यहाँ से चला जा वरना तू भी बेमौत कुत्ते की तरह मारा जाएगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नितिन बाबा को देखकर समझ गया कि लगता है सुबह होने वाली है। सभी गांव वाले बाहर निकल आए थे। उनके सामने एक लड़की की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और यक्षिणी का भयानक रूप सामने था। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक, क्योंकि तू नहीं जानता कि मुझे यहाँ पर किसने बुलाया है, और जिसने मुझे यहाँ बुलाया है सिर्फ वही मुझे वापस भेज सकता है। मगर बाबा भैरवनाथ के होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट थी। उन्होंने चीखते हुए यक्षिणी की तरफ देखकर कहा, तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है बेवकूफ यक्षिणी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुझे यहाँ पर किसने बुलाया है। इतना कहकर बाबा ने अपने झोले में से एक सिंदूर निकाला, मगर ये क्या, उस सिंदूर को उन्होंने यक्षिणी की तरफ नहीं बल्कि नितिन के चेहरे की तरफ फेंक दिया। जैसे ही सिंदूर नितिन के चेहरे पर पड़ा अचानक उसका चेहरा बदलने लगा और वो देखते ही देखते एक बूढ़े के रूप में आ गया। नितिन को देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित होकर उस बूढ़े की ओर देखने लगे। तभी बाबा भैरवनाथ की जोरदार आवाज गांव में टकराई, गांव वालों तुम देख रहे हो ये व्यक्ति कौन है, पहचानो इस व्यक्ति को। यही वो व्यक्ति है जिसने यक्षिणी को बुलाया है। मैं जानता हूँ तुम इस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। यह व्यक्ति राकेश का चाचा महेश है। राकेश ने इसे यक्षिणी तंत्र करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। वो समझ गया था कि इसका इरादा क्या है, इसलिए इसने यक्षिणी के जरिए अपने ही सगे भतीजे की जान ले ली। तुम सब गाँव वालों ने सालों पहले इस व्यक्ति को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाला था, क्योंकि ये चरित्रहीन व्यक्ति था जो गांव में किसी भी बहु बेटी की इज्जत को नहीं बख्शता था, और इसी बात का बदला लेने के लिए इसने यक्षिणी तंत्र की साधना की ताकि तुम सब गांव वालों को यह मार सके। तभी बाबा भैरवनाथ के कानों में यक्षिणी की आवाज टकराई, बहुत हो गया बाबा, अब तेरा खेल खत्म। जैसे ही यक्षिणी ने बाबा की ओर बढ़ना चाहा, बाबा ने अपने हाथ के त्रिशूल पूरी ताकत से नितिन के सीने में दे मारा। नितिन की एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज गई। नितिन का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया और यक्षिणी ने गुस्से से बाबा की ओर देखकर कहा, ये तूने क्या किया, तुझे कैसे पता था? अपने तंत्र साधना से मैंने इतना पता लगा लिया था कि
कि यक्षिणी को बुलाने वाला राकेश का ही कोई मिलने वाला व्यक्ति था। और मैंने आज रात ये भी पता लगा लिया था कि तू तीन लोगों की हत्या कर चुकी है। अगर मैं अभी यहाँ पर नहीं आता तो तू सारी गांव को शमशान घाट बना देती। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि नितिन बाहर खड़ा हुआ था। मैं उसे देखकर ही समझ गया कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि मैं सभी गांव वालों को समझा कर गया था कि रात के वक्त कोई भी दरवाजा खटखटाए दरवाजा मत खोलना। मगर जब मैंने नितिन को बाहर की ओर देखा तो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि यह नितिन नहीं बल्कि कोई और है, राकेश के चाचा महेश। राकेश ने अपने चाचा महेश को तंत्र साधना करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने सबसे पहले यक्षिणी के जरिए राकेश को मरवाया और नितिन अपने परिवार के साथ गांव से बाहर गया हुआ था। इस बात का फायदा उठाकर इसने अपना रूप तुझसे नितिन के रूप में बदलवा लिया ताकि ये गांव वालों के साथ रहकर उन्हें धोखा देने में आसानी से कामयाब हो जाए। इसकी आत्मा तुझसे जुड़ी हुई थी, इसीलिए सबसे पहले इसका मरना बहुत जरूरी था। और यह किसी आम हथियार से नहीं मरता, इसीलिए मैं इसे मारने के लिए भगवान शंकर के त्रिशूल को साथ में लाया था। अब तेरी ताकत इसके साथ ही चली गई है, अब तेरा भी खेल खत्म यक्षिणी। इतना कहकर वही सिंदूर बाबा ने यक्षिणी के ऊपर फेंक दिया। सिंदूर अपने ऊपर आते ही यक्षिणी बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगी, उसकी चीख पूरे गांव में गूंज रही थी। मैं फिर से वापस आऊंगी। देखते ही देखते वह एक ढोल बनकर वहां से गायब हो गई। अब गांव में सब तरफ सन्नाटा था, गांव अब यक्षिणी से मुक्त हो चुका था।